तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री पूजा मिश्रा ने शत्रुघ्न सिन्हा पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि सिन्हा परिवार ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि सिन्हा परिवार ने उनके साथ सेक्स स्कैम किया। आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें बेहोश करके ट्रेड करवाया जाता था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से कोई भी रिएक्शन इस बात पर नहीं आया है। दरअसल मीडिया कर्मियों को एक बयान देते हुए पूजा ने कहा कि मेरी वर्जिनिटी बेचकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी साक्षी को स्टार बनाया है। पूजा मिश्रा ने आगे कहा कि उन्होंने 17 साल तक ये सब कुछ झेला है, उनकी जगह कोई और अभिनेत्री होती तो अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। पूजा मिश्रा ने इससे पहले सलमान खान उनके भाइयों को 8 बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उनके पिता पद्माकर मिश्रा आयकर विभाग में अफसर थे। पूजा मिश्रा ने आरोप लगाते कहा कि उनके पिता ने शत्रुघ्न और उनके दोस्तों को कई बार करोड़ों रुपए की सहायता की है, मगर अब यही लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। पर पूजा मिश्रा यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वाइफ ने उनके ऊपर काला जादू किया है और काला जादू करके उन्होंने उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हाल फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से कोई भी बयान, कोई भी रिएक्शन इस पूरे मामले पर नहीं आया है। उम्मीद है जल्दी शत्रुघ्न सिन्हा और उनका परिवार इस पूरे मामले पर कोई बयान देगा और ये साफ करेगा कि इन बातों में कोई सच्चाई है या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।